हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि गोरीवाला इलाके से आ रही है, जहां पर लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात व नकदी चोरी मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। एक महिला से 6 लोगों को काबू किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा सोना चांदी के जेवरात व नकदी सहित कुल 4 लाख रुपये की चोरीशुदा संपत्ति बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में चोरी की 4 अन्य वारदातों का भी खुलासा हो गया है। सिरसा पुलिस कप्तान डॉक्टर अर्पित जैन की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की थाना सदर डबवाली पुलिस व गोरीवाला पुलिस ने बीती 19 जून को गांव गिंदरखेड़ा व 29 जून को रात्रि को गांव गंगा क्षेत्र में हुई सोना चांदी के जेवरात व नकदी चोरी मामले की 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर सुलझाते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने के आरोपियों में एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां पर लगातार गोरीवाला से चौकी प्रभारी सुमित के नेतृत्व व थाना सदर डबवाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर देवीलाल ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान नवदेव, किंदर सिंह, तरसेम सिंह व सुखमंदर सिंह, अंग्रेज सिंह व सुभाष व एक महिला के तौर पर हुई है। सभी आरोपी गंगा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में थाना सदर डबवाली में विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चौकी प्रभारी ने बताया है कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान चोरी की 4 अन्य वारदात करने भी कबूल की है। थाना सदर प्रभारी उप निरीक्षक देवीलाल ने बताया है कि 19 जून को गांव गिंदरखेड़ा के एक ढाणी से सोने चांदी की जेवरात में नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया है कि आरोपियों की निशानदेही पर सुखमंदर सिंह उर्फ फंडी पुत्र पम्मी सिंह, अंग्रेज सिंह उर्फ गग्गू पुत्र सुभाष व एक महिला आरोपी बलविंदर कौर निवासी गांव गंगा को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक जोड़ी टॉप्स सोना, एक सोना अंगूठी व सोने का हार, 2 जोड़ी चांदी की पजेब, नकदी सहित कुल 4 लाख रुपये की चोरीशुदा संपत्ति बरामद कर ली गई है। पकड़े गए लोगों को अदालत में पेश करने के बाद लवदीप व किंदा को रिमांड पर लिया गया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में बाकी के सभी आरोपियों को भेज दिया गया है। तो गोरीवाला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो कि गांव गंगा के आसपास इलाकों में हुई चोरी की कई वारदाताओं को पुलिस ने सुलझा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, गंगा गांव में बढ़ता नशे का कारोबार और इसी नशे की पूर्ति के लिए वहीं से परिवारों के बच्चे चोरी और छीना छपटी की वारदाताओं को अंजाम देने लगे हैं। यानी सीधे तौर पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह है कि अब नशे की पूर्ति के लिए आरोपी कुछ भी कर सकते हैं। पड़ोसी, इवन यहां तक कि वो अपने घर पर चोरी कर सकते हैं, पड़ोसी के कर सकते हैं, किसी भी ढाणी में कर सकते हैं, और अगर नशे की पूर्ति ना हो तो किसी की हत्या भी कर सकते हैं। यानी हमारे सूत्रों के मुताबिक और पुलिस के विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि सब चोरी की घटनाएं नशे की पूर्ति के लिहाज हो रही है। और बड़ा सवाल इसलिए है कि गंगा गांव से 6 ऐसे दोस्त, जिसमें एक महिला, यानी कि 5 ऐसे दोस्त युवा हैं जो मिलजुल कर नशा करते हैं और इसी नशे की पूर्ति को पूरा करने के लिए फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये एक बड़ा एक सवाल इस नशे के ऊपर है कि अब पुलिस को नशे की गर्दन को भी तोड़ना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इलाके में लगातार चोरी छीना छपटी की वारदातें बढ़ रही है, ऐसे में अब पुलिस को नशे के नेटवर्क को तोड़ना होगा, क्योंकि लगातार उप तहसील गोरीवाला के इलाके में चोरी छीना छपटी की वारदातें हो रही है, हालांकि पुलिस उनको सुलझा रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल पुलिस के समक्ष यह है कि जिला में पुलिस कर्मियों की सबसे बड़ी कमी है। डबवाली थाने की बात करें तो यहां पर जो स्टाफ आज से ठीक 15 साल पहले था, उसी की तुलना में आज स्टाफ है। यानी आज 2022 में भी संख्या बढ़नी चाहिए थी, मगर नहीं बढ़ पाई है।
पुलिस चौकी से लेकर थानों में पुलिस कर्मियों की सबसे बड़ी कमी है। ऐसे में पुलिस इन वारदातों को सुलझाने में पीछा नहीं कर पा रही है, तो ये भी हरियाणा सरकार के लिए एक सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं चुनौती है कि हरियाणा में पुलिस के जवानों की भर्ती भी तय होनी चाहिए। क्या कुछ थाना प्रभारी सुमित कुमार कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, जैसा कि हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब और एसएचओ साहब की तरफ से ना जी, आजकल नशे बढ़ने के कारण वो चल रहा है, अभियान चल रहा है, ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, उसके तहत कार्रवाई करते हुए चोरियों के ऊपर भी काफ़ी फोकस है, क्योंकि नशा करते हैं तो चोरियां भी होती हैं। तो हमारे को 29 तारीख को, जो पिछले महीने की 29 तारीख है, तो उसमें एक हमारे इलाके में चोरी हुई थी घर में रात के टाइम, तो उसी के चलते हुए थोड़ी बहुत हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, और हम नाकाबंदी कर रहे थे। तो नाकाबंदी के दौरान हमें पहले एक आरोपी जो सस्पेक्टेड था उसको हमने राउंडअप किया। राउंडअप करने के बाद उसकी इंटरोगेशन के बाद जो है ना, उसने अपने इलाका की कम 6-7 वारदातों को अंजाम दिया था। तो उन वारदातों के ऊपर हमने कार्रवाई करते हुए करीब 6, एक महिला आरोपी भी है, सोना है, चांदी है, 4-5 लाख रुपए तक की हमारी जो रिकवरी हुई थी उनमें, किसी ने कुछ गिरवी रख दिया या फिर चोरी का सामान रखा, उनको सबको हमने राउंड अप कर लिया है। तो 6 वारदातें जो हैं अपने इलाके की, थाना सरदवल के इलाके की, उसमें ट्रेस आउट हुई है। तो उसके बाद जैसे कि हमने उसने काफ़ी अभी शांति भी है, काफ़ी अच्छा हमारे को पब्लिक ने भी सहयोग किया, जहाँ जहाँ हमने रेड वगैरह करी हैं। तो आगे मैं अपील यही करना चाहता हूँ पब्लिक को कि हमारा सहयोग करें, जो ऑपरेशन क्लीन की कार्रवाई चल रही है उसमें हमारा सहयोग करें। अगर पब्लिक हमें सहयोग करेगी तो हमारे जो एसपी साहब, आईजी साहब का जो मेन फोकस है नशा, नशे के कारण ही जो ये सारी वारदातों को अंजाम देते हैं, क्यों सारे ये नशेड़ी हैं आपस में एक दूसरे को नशा पिलाने वाले या किसी से नशा खरीदने वाले। तो इसलिए हम आपसे, पब्लिक से यही सहयोग चाहते हैं कि हमारे उच्च अधिकारियों के जो है ना, हमें लगाया है तो हम आगे उनके सहयोग से ही और अच्छा काम कर पाएंगे। धन्यवाद सर।